लेकिन आप जो कह रहे हैं ये सरकार जब से आई है तभी से बिजली व्यवस्था भी देख रहे हैं सही है, जो कि टाइम पहले होता क्या था, आती थी बिजली पता नहीं कब आएगी, कब आएगी ये किसी को पता नहीं था, लेकिन इस समय आपको पता है कि नहीं? इस समय तो पता है, पता चल जा रहा है ना कि कब आएगी कब जाएगी। हाँ सही। तो इस सरकार में बताइए तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम जो योजनाएं हैं वो भी धरातल पर दिख रही हैं। ये बताइए इतना आरसीसी हुई है सरकार में, इसके पहले यहीं आते थे तो यहाँ तक गंदगी, वो जो कूड़ा लग रहा है गंदगी रहती थी, सही है गलत है? सही था भाई, ये बात सही है, रहती थी। रोड नहीं सही था, ये आरसीसी वाला नहीं काम था पहले का। अच्छा ये बताइए पहले जो आवास का पैसा आता था किसी को पता चल पाता था कि ये सिस्टम में क्या किसका आवास पास है नहीं पास है? नहीं तो नहीं पता चलता था, लेकिन इस सरकार में चल जा रहा है, इस सरकार में चल जा रहा है। तो बताइए ये सरकार कहाँ से गलत है? गलत है कि महंगाई को लेकर यहाँ से गलती है, ठीक है भैया, महंगाई सबसे ज़्यादा किया है, ठीक ना, जो सरकारी लोगों तो चल जाएंगे। अच्छा, किस फिलहाल महंगाई है जरा हमें देखिए, पेट्रोल 100 रुपया है। अच्छा है ना, अच्छा, दाल 100 रुपया कर दिया है, रोड पर गाड़ी कम नहीं हो ज़्यादा हुआ है। सबसे ज़्यादा पेट्रोल खर्च कैसे लोग करते हैं, अमीर लोग करते हैं कि मध्यम वर्ग के लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, बताइए? मध्यम लोग ज़्यादा करते हैं लोग, क्यों? जब उनकी अगर कमाई कम है तो करते कौन? यही मध्यम लोग कम ज्यादा करते हैं ये लोग। सबसे ज्यादा गुटखा कौन लोग खाते हैं? ये जो छोटे लोग होते हैं, छोटे गरीब। तो सर जब सब कुछ अगर गलत काम छोटे कर रहे हैं तो सिस्टम में गलती कौन कर रहा है? सिस्टम में गलती यही लोग करते हैं भाई, अपने से यही छोटे लोग करते हैं और क्या करते हैं, और सरकार का दोष देते हैं। सही बताइए जो चीज़ अगर वास्तव में ऐसे मानते हैं, जो यहाँ के विकास में मान लीजिए कि अगर मुख्तार अंसारी यहाँ से अगर लड़ जाते हैं तो उन्हें जेल में रह कर भी 5 साल जिताता कौन है? 5 साल जनता ही नहीं जिताएगा, और कौन जिताएगा? हाँ? भाई गलती कौन गलती करते हैं? जनता करती है, जनता के दिन जनता का सब देना है भाई, उसके हाथ में है ना जिताना करना भाई देना, वही तो सरकार उनके हाथ में होता है, जनता के हाथ में होता है। तो इस बार सही बताइए कि यहाँ का माहौल क्या है, जो सही माहौल है वो बताएं कि यहाँ क्या है। अच्छा ये जात पे होगा या विकास पे होगा? इस पर ज़्यादा विकास पर काम होगा, विकास पर, विकास पे होगा, विकास पर, विकास जो करेगा वो जीतेगा। हाँ कोई योगी हो चाहे अखिलेश हो, क्या लगता है कि इस बार अगर सदर से फिर अगर आ जाते हैं मुख्तार अंसारी तो इस बार जनता किसके साथ रहेगी? मऊ से तो यहाँ से मुख्तार अंसारी रहते हैं, मुख्तार अंसारी। तो 5 साल जेल में रह के उन्हें कभी देखे हैं आप? नहीं हम तो नहीं देखे हैं भाई, नहीं देखे हैं, सुने हैं, नहीं देखे हैं, सुने हैं। तो फिर आएंगे, फिर जीत जाएंगे? हाँ जीत जाएंगे मऊ से। मतलब क्या है उनके अंदर जो जीत जाते हैं? अब जो भी उनके अंदर है मतलब मऊ से जीतेंगे भाई, मैं तो जानता हूँ भाई, बताते हैं लोग वहाँ के लोग। अच्छा मऊ से भाई, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, या ये बताइए आप वोट उनको देंगे या किसी और को दे देंगे? अगर नहीं नहीं हम उन्हीं को देंगे, मुख्तारी को, अगली बार भी दिए थे इस बार भी देंगे। तो क्या कोई ऐसी राज की बात है कि सारे लोग उनके ऐसे बात करते हैं? नहीं वो क्षेत्र वाले बात पड़ता है ना, जो इस क्षेत्र के हैं तो भाई देना ही पड़ेगा ना, दूसरों को देंगे। दूसरे भी तमाम यहाँ के प्रत्याशी आते हैं, आखिर उनको ऐसे प्रत्याशी को क्यों नहीं जिताती है जो रोज आपके चट्टी चौराहों पे मिल जाते हैं? दूसरों की बात नहीं, अपना ही क्षेत्र का रोल लगते हैं ना, उसको आदमी जिताता है। विकास पे होगा या जात पे होगा? विकास पे होगा। तो देख सकते हैं ये थे हमारे कुछ, और मुख्तार अंसारी क्यों जीत जाते हैं इनका ये भैया बता रहे थे कि चाहे जो कुछ भी हो लेकिन मुख्तार अंसारी यहाँ से जीतेंगे। तो ऐसे ही हमारे जो युवा साथी हैं उन्हीं के वजह से यहाँ का चुनाव भी निकल जाता है मुख्तार अंसारी जी का, और यहाँ की जो जनता है वो जनता भी इसी चीज़ को लेकर बताएगी। ये बताएं अगर फिर इस बार मुख्तार अंसारी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा? क्या होगा, अब टिकट मिलने के बाद क्या सोचा जाएगा, किसको दिया जाएगा? अगर टिकट मिल जा रहा है तो क्या होगा? उनको तो कोई बहुत आदमी नहीं देंगे वोट नहीं देंगे। अभी भैया कह रहे हैं कि वो भले जेल में रहिए 5 साल रहते लेकिन तब वो नहीं के दिया जाए। अच्छा वोट, अच्छा कोई आएगा भी तो उनको वोट दिया जाएगा, विकास के नाम पर यहाँ सपा से। तो सपा के लोग जहाँ तक संभवतः जता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी आएंगे। मुख्तार देखिए किसको टिकट मिलता है उसको हिसाब से जो जीतेगा उसको देंगे। तो ये वर्तमान जो सरकार चल रही है नहीं इसमें कुछ नहीं, इसमें किसी का फायदा नहीं हुआ है भाई, हम लोग सपा को वोट देंगे। हाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, राशन 5 किलो मिल जाने पर क्या होगा बताइए? 2 महीने मिल जाएगा राशन तो सबका पेट पोषण हो जाएगा। हम लोग को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, यही चाहिए हम लोगों का।